नमस्कार, सुपरफास्ट जनादेश आपकी आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक वलेचा ले चलता हूं आपको आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। आने वाले गणेश उत्सव को मद्देनजर रखते हुए उल्लासनगर शहर की आमदार श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी द्वारा उल्लासनगर 3 के सीमा इंटरनेशनल होटल में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर गणपति विक्रेता, गणेश मंडल के पदाधिकारी, पुलिस और कई सारे गणमान्य हस्तियां उपस्थित थी। आइए देखते हैं। जिस दिन हमारा आगमन, गणपति गणेश भगवान का आगमन होता है, आगमन के पहले वो समय आपने बताया कि ये समय से लेके ये समय से आएंगे तो जो हाई टेंशन वायर होगी वो आप बंद करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर जो रात के समय गणेश मंडल जो लाते हैं उनका क्या रास्ता निकल सकता है? रास्ता निकल सकता है कि नहीं, कि वो रात को ला ही नहीं, आपको ट्रैफिक विभाग और पुलिस जो भी वहां पे रहेगी वो आपको अलाउ भी नहीं करेगी देर रात तक वहां आने के लिए। या आप बोलोगे सवेरे 4 बजे मेरी गणपति आने वाली है, मुझे बुकिंग इतने बजे मिल रही है, या मेरी ट्रॉली इतने बजे मिल रही है, या मेरी गाड़ी इतने बजे मिल रही है, तो अभी आपके पास समय है उस चीज की आपको व्यवस्था करके रखनी है। दिन के उजाले में जो समय दिया जा रहा है शाम सुबह से शाम तक, उसी में आपको अपने आर्डर लाने हैं और वो समय आगमन से 1 या 2 दिन पहले का आपको मिलेगा। जैसे सब हाई टेंशन वायर और ट्रैफिक विभाग और पुलिस विभाग अपनी व्यवस्था कर पाए, इस पर गणेश मंडलों को कुछ ऐतराज है या कोई इसमें कठिनाई है तो बोल सकते हैं। ट्रैफिक सूचना म्हणजे मंडळ जे आहेत ते रस्ता सोडून मंडप बांधतात, ते मंडप बांधल्यामुळे ट्रॅफिकला भरपूर अडचणी होतात, नागरिकांना अडचणी होतात, वाहन हे होतात। तसेच आपण जे आगमन आणि विसर्जन ज्यावेळेस मूर्ती घेऊन जातो त्याचा रस्ता एकच असावा, वेगवेगळ्या मूर्त्यांचे रस्ते वेगवेगळे नसावेत, एकच असावा तो। विसर्जन आणि मिरवणूक यांचा रस्त्याचा मुख्य रस्त्याचा वापर करावा आणि सध्या गणपती बसवताना ट्रॅफिक बँडची परवानगी घेतली जात नाही, ती पोलीस स्टेशनकडनंच ती परवानगी मिळते। पोलीस स्टेशनला वाटलं तर ते आमच्याकडनं NOC मागवतात। मागच्या मीटिंगमध्ये असं ठरलं होतं की प्रत्येक काउन्सिलर आपल्या आपल्या हातीमधील जे काही 25-30 फुटाचे 20 फुटाचे जे काही गणपती आपल्या हातीमध्ये बसतील तर आपल्या नेतृत्वाखाली किंवा आपले कार्यकर्ते असतील त्यांना कन्व्हिन्स करून सर्वात लहान गणपती आणण्याबद्दल आपली चर्चा झाली होती। आज जे आलेले आहे आमचे सन्माननीय सदस्य आणि आजी माजी त्यांना एक पोलीस खात्याकडून आमची एक विनंती आहे, त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आणि आमच्या म्हणण्याप्रमाणे जर लहान गणपती जर आणलं तर विसर्जन करायला अडचण जाणार नाही। आणि कल्याण येथे कल्याणचेच गणपती खूप असतात आणि तिथले DCP साहेबांचं आणि आयुक्त साहेबांचं सुद्धा विनंती आहे आपल्याला की तुमची गणपती तुम्ही तिकडं हे करा। त्याच्यासाठी आपण मागच्या वर्षापासून इथं घाट तयार केलेली आहे, तिथं आपण बरेच गणपती मागच्या वेळेस 150-200 गणपती आपण विसर्जित केलेले आहे। आता यावेळेस पण लिंबाळकर साहेबांनी पण स्पॉटवर पाहिलेले आहेत, त्यांनी सुद्धा ते रोड वगैरे आपल्याला लाईटिंग वगैरे सगळी व्यवस्था करून देणार आहेत, त्यांच्याकडूनच विसर्जन होणार आहे। या बाबतीची पण आमची मीटिंग झालेली आहे। नहीं और अच्छी चीज के लिए हमारा NGO हर साल एक छोटी सी मुहिम लेता है गणेश उत्सव के समय, जो कि मंडल में जो भी पुष्पमालाएं जो भगवान की मूर्ति पे चढ़ाई जाती हैं तो हमारा ऐसा मानना होता है कि वो पानी में जब हम डालते हैं यही हमारी प्रैक्टिस रहती है मोस्टली कि पॉलिथिन बैग्स में वो बांध के हम लोग पानी में विसर्जन के समय वो सारे गार्लैंड्स भी डाल देते हैं, जिसका इफेक्ट ये होता है कि पानी प्रदूषित भी होता है और अल्टीमेटली वो गार्लैंड्स सड़ जाते हैं और अल्टीमेटली डंपिंग पे जाते हैं वो गार्लैंड्स। तो इसीलिए हमारे NGO की तरफ से एक छोटी सी मुहिम चलाई जाती है, जिसमें इस साल हमारी मैडम भी, ज्योति मैडम भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाली हैं कि जो भी विसर्जन घाट हैं वहाँ पर हम लोग छोटे से छोटे छोटे कंपोस्टिंग पिट्स बनाने वाले हैं, जिसमें आप सबसे यही सहयोग चाहिए हमें कि हमारे लोग आपके मंडल से आके खुद ही वो गार्लैंड्स कलेक्ट करके जाएंगे, सिर्फ आप सेपरेट करके रखिए, उसमें थर्माकोल और ऐसी चीजें जो कंपोस्ट नहीं हो वो
वो मिक्स नहीं करें, आप गार्लैंड सेपरेट करके रखिए, हमारे लोग खुद ही कलेक्ट करके जाएंगे और जो भी कंपोस्टिंग पिट्स हैं उसमें वो गार्लैंड्स डाल दिए जाएंगे और थोड़े समय के बाद उसमें से खाद निर्माण होगा जो कि हम हमारे गार्डन्स में यूज कर सकते हैं। थैंक यू। आज ये जो विषय रखा गया है अति महत्वपूर्ण विषय है। पिछले पखवाड़े उल्लासनगर महानगर पालिका में भाभी जी ने एक मीटिंग आयोजित की थी पीडब्ल्यूडी कार्यालय में, तो वहाँ पे डिसाइड किया गया था कि पहले तो गणपति की मूर्ति की जो हाइट रहेगी उसको रिस्ट्रिक्टेड रहेगी और कोशिश करके एक रास्ते पे एक अगर मंडल गणपति रखे तो ट्रैफिक में भी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा है कि मेन रोड्स पे एक ही नियर बाय एरिया में तीन तीन चार चार मंडल लगते हैं तो उसके वजह से पार्किंग और ट्रैफिक का काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये जो मीटिंग कॉर्पोरेशन में भाभी जी ने इनिशिएटिव लिया और हमारे सब ऑफिसर्स आए थे वहाँ पे, तो हमने अपने वार्ड में अपने प्रभाग में जो भी हमारे गणेश मंडल हैं उनको हमने अपने कार्यालय में बुला के उनको ये सारी बातों पर चर्चा की और उनको राजी किया है। अभी हमारे महान पैलेस एरिया में हमारे प्रभाग में दो गणपति अलग अलग रखते थे, उनको मिला के अभी हमने एक ही कर दिया है। और हमारे नाना नानी गार्डन में दो अलग अलग नजदीक नजदीक पंडाल रखते थे और बड़ी बड़ी गणपतियाँ रखते थे, तो उन दो मंडलों को भी हमने मर्जर करवाया है अपने पास बैठा के ऑफिस में और वो भी आपस में मिलके एक ही जगह पे गणपति स्थापित करेंगे। और खुशी की बात है कि उन्होंने बड़े दिल से माना, अभी उन्होंने 10-12 फुट की जो गणपति रखते थे बड़ी हाइट की, तो जैसे हमारी कमेटी ने डिसाइड किया तो अभी उन्होंने अपनी हाइट रिस्ट्रिक्ट की है 5-5 फीट की गणपति उन्होंने सबने माना है। आमदार जी ने ये पहल की है, उस आमदार के नेतृत्व में हम काम करने वाले नगर सेवक हैं, हम सभी लोगों ने अपने अपने वार्डों में अपने अपने क्षेत्रों में वो काम किया है। गणपति मंडळा मुळे सगळे व्यापारी त्रासले जातात, सगळे थकतात, मग हे जे व्यापारी आहेत यांच्यामुळे आम्ही शहरभर माणसं थकतो। आमच्या अर्जंट मीटिंग आता मला चार मरून ते यायला 20 मिनिटं लागली, मी आलो कुठून 17 सेक्शन वरून त्याला जाऊ ठरतो। आम्ही तुम्ही बोलताय की 10 फुटाच्या मूर्ती बनवायची नाही, आम्हाला गणपती मंडळ ऑर्डर देतात की मूर्ती या फोटोच्या रेंजची पाहिजे, आम्ही बनवतो, धंदा आहे असा शासनाचा कुठेच जीआर नाही की 10 फुटाच्या मूर्ती बनवू नका मस्त का। दुसरी गोष्ट राठोड साहेब, तुम्ही जेव्हा एसला इन्चार्ज होते माझ्या माहितीप्रमाणे तुम्ही अंडरग्राउंड केबलिंग साठी 16 करोडची योजना राबवली होती, पण ते 16 करोड गेले कुठे मला माहिती नाही। मग आपण एमएससीबी जो वायरिंग मेन रस्त्याचे ते अंडरग्राउंड का नाही करत, मंडळांवरती बंधन का की तुम्ही 10 फूट बसवा, 9 फूट बसवा, 5 फूट बसवा, एमएससीबीची वायरिंग अंडरग्राउंड का नाही मेन रोडवरची, मग त्यासाठी काहीतरी उपाययोजना करा ना। त्याची नाही म्हणा तुम्ही प्रपोजल बनवा, आमचा एक आमदार आहे पण आमचा नेता सक्षम आहे, आमची सत्ता रस्त्यावर आहे, कुठून कसा फंड आणून तुम्हाला द्यायचा ते आम्ही बघू, काय करायचं काय नाही ते तुम्ही प्रपोजल बनवा, आमदार मॅडम तुम्हाला सपोर्ट करतील, बाकी आम्ही बघू काय करायचं ते। रेखा मॅडमने निर्माल्य कलश के बारे में इस वक्त यहाँ पे कहा, हमारे केयर फाउंडेशन के मुरलीपुर स्वामी जी हैं, हमने वाली जी जन बिरादरी के गोवर्धन गोड़ा जी हैं और हमारी पूरी टीम है। हम लोग रेखा मैडम को यह आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं कि आने वाले 11 दिनों में उनके निर्वाल्य कलश की रक्षा के लिए या जमा करने के लिए जो भी उन्हें मदद लगेगी हम पूरी वालधुनी जल बिरादरी की टीम उनके लिए हाजिर रहेगी और पुलिस प्रशासन को और आमदार महोदय को भी जो भी मदद लगेगी हमारी तरफ से छोटी सी मदद क्यों ना हो हमारे वालधुनी जल बिरादरी की टीम पूरी आपके साथ रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। हमें ये उत्सव मनाते समय पूरी श्रद्धा पूर्वक मनाना है, ये श्रद्धा की जगह ये स्पर्धा ने कब ली किसी को पता ही नहीं चला। हालांकि जो यहाँ पर आज जो चर्चा हो रही है बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि मूर्ति की हाइट क्यों बढ़ रही है। अगर किसी एक्सवाइजेड मंडल ने अगर 10 फुट की रखी है तो मुझे 12 फुट की रखनी है, ये हमारे बीच का एक कॉम्पिटिशन है। अगर यहाँ पर 12 फुट है तो फिर वहाँ पर 15 फुट होनी चाहिए, यहाँ का मंडल छोटा है तो मैं उससे डिफरेंस कैसे करने का प्रयास करूँ, ये जो हमारे बीच में एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हुआ है इसके वजह से ये सारे मुझे लगता है कि ये मीटिंग का प्रायोजन करना पड़ा है, वरना इसके पहले ये परंपरा बरसों से चली आ रही है, इसके पहले कोई ऐसे नियम नहीं थे, ना कोई ध्वनि प्रदूषण के नियम थे, ना कोई हाइट के नियम थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर प्रशासन किसी चीज़ के नियम यहाँ पर बना रहा है
तो इसके पीछे उनकी मंशा ये नहीं है कि आपको दबाना है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करनी है, या फिर आपको ये उत्सव सेलिब्रेट करने से रोकना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसको नकारात्मक दृष्टिकोण से न लेते हुए, अभी मैं पीछे बैठा हूँ, कहीं मंडल से एक निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों की भावना शायद गलत तरीके से आहत हो रही है, लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि प्रशासन की मंशा आप लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। इस शहर की सुरक्षा और इस यहाँ पर रहने वाले जितने भी हमारे नागरिक हैं, जितने भी सभी वर्ग के, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, नागरिक व्यापारी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी एक शहरवासी हैं। शहरवासी में प्यार कैसा बढ़े और प्रशासन और जनता में तालमेल कैसा बढ़े, इसलिए ये मीटिंग है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, तो इसको कॉम्पिटिशन में न लेते हुए पूरी श्रद्धापूर्वक हम ये मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी हमारे ऑफिसर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, एमएससी भी है, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, कॉरपोरेशन है, इन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उससे भी ऊपर जो हमारे सभी मंडल और जो मैन्युफैक्चरर गणपति के और ट्रेडर्स, उन सभी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम जो ये स्टेप लेने जा रहे हैं उसका इतना बड़ा असर होगा। मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि पहली मीटिंग के बाद में पूरे शहर में मूवमेंट हो गई, फिर वो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा थी, नेगेटिव कम थी, और कुछ कुछ लोगों को लग रहा था कि उन्होंने जिन्होंने बहुत बड़े गणपति का ऑर्डर दिया हुआ है या जो जिन्होंने बनाए भी हुए हैं, तो ये जो हम लोगों ने मुहिम छेड़ी है कि इको फ्रेंडली गणपति रखें, छोटे गणपति रखें, बड़े गणपति नहीं रखें, 10 फीट भी हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन डाली है, और अगले साल से जितनी कंडीशन अभी यहाँ बताई गई कि सभी की परमिशन होगी, उसके बाद में कॉरपोरेशन परमिशन देगी, तो ये सब जो हैं हम फॉलो करेंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे सभी उल्लासनगरवासी और मंडल जो हैं उनका नियमों का पालन करेंगे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो या सख्त कार्रवाई ना हो, या उनके टेलीफोन हमारे पॉलिटिशियन के पास नहीं आए कि पुलिस ने ऐसे किया या पुलिस ने वैसे किया, तो इसका फॉलोअप हम लोग अभी से करेंगे और कोशिश करेंगे कि उल्लासनगर में जो गणपति उत्सव बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे खुशनुमा माहौल में पूरा हो। आज माननीय आमदार मैडम जी जी मीटिंग आयोजित केली होती, त्या मीटिंगला सर्व गणपती मंडळाचे जे सदस्य पदाधिकारी उपस्थित होते, संपूर्ण उल्हासनगर शहरातील सर्वांनी चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे। मॅडमनी एक नवीन म्हणजे इको फ्रेंडली गणपती बाबत आवाहन केलेलं आहे आणि छोटे गणपती जास्तीत जास्त आणावेत यासाठी एक आवाहन केलेलं आहे, त्याला सर्वांनी चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे। याचा नक्कीच सर्वांना उपयोग होईल आणि सदरचा गणपती उत्सव हा उत्साहात आणि शांततेत पार पडेल असा। श्रावण मास के चलते उल्लासनगर शहर की आमदार श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी द्वारा उल्लासनगर के सटे सीमा रिजॉर्ट में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का आयोजन किया गया। ये 5 दिन की पूजा संपन्न हुई, उसी के चलते एक हवन पूजा का आयोजन किया गया था, जहां पर उल्लासनगर शहर के कई सारे गणमान्य हस्तियां उपस्थित थी। आइए देखते हैं। उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जी
जीअं त सावण जो महीनो शुरू थी वियो आहे ऐं हर जॻह ते हर हर महादेव जा नारा लॻी रहिया आहिनि। हर को पंहिंजे पंहिंजे नमूने सां भॻवानु शंकर खे राज़ी करण लाइ पूॼाऊं पाठ जप तप करे रहियो आहे। हिकु हीअ पूॼा पार्थिव शिवलिंग जेके थींदा आहिनि उहा शंकर भॻवान जी हिकु विशेष पूॼा थींदी आहे, जंहिंमें श्रद्धालू भॻत 1,25,00,000, 10,00,000, 5,00,000 करोड़नि ताईं पूॼा संकल्प करे हीअ पूॼा कंदा आहिनि। ऐं असां कुझु सालनि खां इहे 1,25,00,000 जो संकल्प करे ऐं भक्ति भाव सां हिन जंगल में अची करे मंदरु आहे हिते माता जो बड़ जो वणु आहे 200 साल पुराणो, उन जे हेठां असां इहे पूॼा कंदा आहियूं ऐं जेके नसीबनि वारा हूंदा आहिनि उहे हिते दर्शन करण में ईंदा आहिनि। अॼु असांजी इहा पूॼा समाप्त थी आहे ऐं अॼु असां महा अभिषेक करे पार्थिव शिवलिंग जी पूॼा जी समाप्ति कई आहे। चालीहो बि शुरू थी वियो आहे, सॼे शहर खे झूलणनि जूं झूलेलाल जूं चालीह साहिब जूं 1,00,00,000 करोड़ वाधायूं वाधायूं वाधायूं। मोहम्मद रफ़ी जी की याद में उल्हासनगर 3 के टाउन हॉल में आने वाली 31 जुलाई 2017 के दिन रफ़ी दी लेजेंड नामक शो का आयोजन किया गया है क्लासिक 24 की तरफ से। आइए उसी से जुड़े कुछ दृश्य देखते हैं। वो जब याद आए, बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझा, जब याद आए बहुत याद आए। प्यार यू जताए है कि हो जाती पूरी अपनी राम कहानी, खंडहर ताज महल बन जाता गंगा जल आँखों का पानी, सांसों ने हथ कड़ी लगाई याद न आई, सुबहना शाम ना रात ने प्यार के जाम भर कर दिए, आँखों आँखों से जो मैंने तुमने पिए, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, और क्या ला रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थके घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। मैंने तुझको कितना ढूंढा के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई। बाबू एंड सोनू द टीम दैट हैज गिवन हिट प्रोग्राम्स इन द पास्ट इज बैक अगेन, टुगेदर वी आर बैक विथ द लीजेंड मोहम्मद रफी। लीजेंड्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। The voice that became the voice of nation, Rafi, the legend. उल्हासनगर महानगर पालिका के माल मत्ता विभाग यानी टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने अपना टैक्स वसूलने का टारगेट पूरा ना किया, इसी के चलते उनका वेतन रोका गया है। इसी के बारे में हमने अधिक जानकारी ली सहायक व निरीक्षक युवराज बदाने जी से, आइए जानते हैं। हे बघा, आमचं मालमत्ता उल्हासनगर महानगरपालिका मालमत्ता विभागामध्ये मालमत्ता कर वसुली विभागामध्ये
एकंदरीत जे जवळजवळ 250 कर्मचारी आहेत, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 1 पासून जे काय असतील ते, त्यापैकी आमच्या 8 युनिटमध्ये जे विविध इन्स्पेक्टर आहेत, कर निरीक्षक त्यांना आम्ही म्हणतो, त्यापैकी 5 कर निरीक्षकांचा आज आम्ही आढावा बैठक घेतली. साप्ताहिक 10 दिवसात किंवा साप्ताहिक आम्ही आढावा बैठक घेत असतो. माननीय आयुक्त महोदय राजेंद्र निंबाळकर साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली यांच्या उपस्थितीत, तर आज सकाळी आढावा बैठक घेतली असता काही कर्मचाऱ्यांची जी माननीय आयुक्त महोदयांनी ठरवून दिलेलं टार्गेट आहे वसुलीचं, मालमत्ता कर वसुलीचं, किमान प्रतिदिन 50,000 आणि युनिटचे प्रत्येक प्रतिदिवशी जवळपास 5 ते 6 लाख रुपये जे काही कर्मचारी असतील ते, अशा पद्धतीने 8 युनिटचे किमान 50 लाख रुपये, 50 ते 60 लाख रुपये वसूल व्हायला पाहिजेत असे सक्त आदेश दिले होते. तरी देखील त्या आदेशाचं परिपूर्ण अंमलबजावणी काही कर्मचाऱ्यांकडनं झाली नाही, काही कर निरीक्षकांकडनं झाली नाही. त्यांची मालमत्ता कर वसुलीचं प्रमाण हे फार अल्प होतं, त्यामुळे आयुक्त महोदयांनी आणि आमचा रिपोर्ट जो होता मालमत्ता कर विभाग वसुलीचा माझा, आयुक्त महोदयांनी त्या रिपोर्टाच्या अनुषंगाने जवळजवळ 5 कर निरीक्षक आणि 14 वसुली लिपिक यांचा जो ह्या महिन्याचा जो पगार आहे जुलै महिन्याचा, तो जो ऑगस्ट महिन्यामध्ये पेड केला जातो, जुलैचा पगार पेड इन ऑगस्ट, तो सध्या तुर्तास तरी थांबवलेला आहे. जोपर्यंत ह्या कर्मचाऱ्यांची मालमत्ता कर वसुलीमध्ये चांगली प्रगती करत नाहीत, मोठ्या प्रमाणात टॅक्स वसुली करून दाखवत नाहीत, त्यांचा उच्चांक गाठत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना थांबवलेलं जे वेतन आहे ते अदा करता येणार नाही, अशा प्रकारच्या सूचना माननीय आयुक्त महोदयांनी मालमत्ता कर विभागामार्फत लेखा विभागाला दिलेल्या आहेत. भारी बारिश के चलते कई सारे पेड़ गिरने की खबरें हमारे सामने आती हैं. इसी को मद्देनजर रखते हुए उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त द्वारा कार्यवाही की गई, धोखादायक पेड़ों की टहनियों को काटा गया और छटाई का काम शुरू किया गया उल्लासनगर शहर में, जिसका हमने एक उदाहरण देखा उल्लासनगर 2 के नाना नानी पार्क एरिया में. आइए देखते हैं. आज हम लोग खड़े हैं यहाँ पे नाना नानी गार्डन के सामने, एक सतनाम बी बिल्डिंग के बाजू में. वहाँ पे एक झाड़ जो है अशोक का झाड़ बहुत डेंजरस कंडीशन में था और कभी भी गिर सकता था, और यहाँ पे बाजी मार्केट लगता है, काफ़ी कुछ लोग यहाँ पे शाम के टाइम में इकट्ठा रहते हैं. तो ऐसा हुआ कि उसके लिए हमारे भाई रवि पहुजा जी ने बहुत प्रयास किए थे, उसके साथ में राजेश टेकचंदानी जी, महेश सुखरामानी जी भी हमारे साथ में थे. तो हम लोग ने हमारे हॉनरेबल कमिश्नर निंबाळकर सर को ये कंप्लेंट दी कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, और ये भी रेफरेंस दिया कि 3 दिन पहले चेंबूर में झाड़ गिरने के वजह से एक लेडीज़ की मौत हो गई थी, वो हिंदुस्तान टाइम्स में फ्रंट पेज पे आया था. तो हिसाब से कमिश्नर साहब ने ये सीरियस लिया और तुरंत आर्डर किए कि भाई जाके देखो, तुरंत कार्रवाई करो. और यहाँ के जो नेड़के साहब है वो भी बहुत एक्टिव ऑफिसर है, और इस विषय में जो है सब कॉरपोरेशन का स्टाफ जो है पूरा सहकार दे रहा है, और एक सही एक्सीडेंट होने से मतलब दुर्घटना हटी है. धन्यवाद. यहाँ पर उल्लासनगर महापालिका की तौर से माननीय आयुक्त महोदय ने सोमवार को मीटिंग ली, और मीटिंग में हर सोमवार को मीटिंग होती है, उसमें HODs होते हैं सभी कॉरपोरेशन के, और नगर माननीय सम्मान्य नगर सेवक भी होते हैं. तो वो मीटिंग में अशोक ठाकुर साहब ने जो आवाज़ दिया कि ये झाड़ सतनाम कॉलोनी के सतनाम नगर अपार्टमेंट के सामने ऐसा एक डेंजरस झाड़ है, वो झाड़ छाटने की आवश्यकता है, उस हिसाब से माननीय आयुक्त महोदय ने आदेशित किया कि वो डेंजरस भाग छाटा जाए, तो उस हिसाब से ये कार्यवाही शुरू है. वास्तविक में मैंने देखा तो ये सब लाइट की वायर के ऊपर ये था, सही में वो डेंजरस है, तो इस करके हमने वो उसको छाटने का कोशिश कार्यवाही शुरू है. चालिया साहब के व्रत के चलते उल्लासनगर 1 स्थित झूलेलाल मंदिर में कई सारे श्रद्धालु पहुंचते हैं झूलेलाल भगवान का आशीर्वाद लेने. इसी के साथ साथ उल्लासनगर शहर के जय झूलेलाल संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी पहुंचे, झूलेलाल भगवान की आराधना की और आशीर्वाद प्राप्त किया. आइए देखते हैं. जय
श्रावण मास के चलते कई सारे जगहों पर शिव पूजा की जा रही है, शिव भगवान की आराधना की जा रही है, शिव भगवान को याद किया जा रहा है। इसी के चलते उल्लासनगर के सटे अमरनाथ में प्राचीन शिव मंदिर में श्रावण मास के चलते कई सारे कार्यक्रमों का और पूजाओं का आयोजन किया गया है, जिसका हमने एक दौरा लिया, आइए देखते हैं। सालाबाद परमाणी आयु वर्षे श्रावण मास हिंदू धर्म संस्कृति संवर्धन सोला तसेच सकाली 8:30 वाजल्यापासून पावणे 9 वाजेपर्यंत आरती, रुद्राभिषेक 9-11 वाजेपर्यंत रुद्राभिषेक, पुरातन शिव मंदिर इथे नेहमी होत आहे। ज्याही भाविकांना अभिषेक करायचा असेल, कुठलाही मानधन न घेता ब्राह्मणसुद्धा तुम्ही दिलं तर घेणार, नाहीतर नाही, आणि फ्रीमध्ये आपली पूजा केली जाईल। प्रत्येक शिवभक्तांनी याचा लाभ घ्यावा। पुरातन शिवमंदिरमध्ये सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी पूर्ण महिनाभर विविध कार्यक्रम इथं होणार आहेत, याची भक्तगणाने दखल घेऊन प्रत्येक दिवसाला इथले भोजन असतंय, महाभंडाऱ्याची सोय 1-5 वाजेपर्यंत महिनाभर डेली असतंय। उल्लासनगर महानगर पालिका के सहयोग से फ्यूचर ऑक्सफर्ड अकेडमी द्वारा उल्लासनगर 3 के टाउन हॉल में एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम के मार्गदर्शन का एक सेमिनार आयोजन किया गया था, जहां पर कई सारे यूपीएससी एमपीएससी के स्टूडेंट्स पहुंचे और उस मार्गदर्शन का लाभ लिया, आइए देखते हैं। आज यह उल्लासनगर मध्ये फ्यूचर ऑक्सफर्ड अकेडमी आणि उल्लासनगर महानगर पालिका यांच्या वतीने UPSC आणि MPSC स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिबिर आज इथे जे झालेलं आहे, खरं तर या उल्लासनगरमध्ये ही गौरवाची बाब आहे की या उल्लासनगरमध्ये पहिल्यांदाच ह्या फ्युचर अकॅडमीच्या वतीनं अशा स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांसाठी एक उत्कृष्ट कार्यक्रम आज दिला गेला। विशेष मार्गदर्शक जे UPSC आणि MPSC क्षेत्रामध्ये ज्यांनी विशेष प्रावीण्य मिळवलं होतं, तसेच जे MPSC संदर्भातले गाढे अभ्यासक आहेत, अशा लोकांनी या ठिकाणी उत्स्फूर्तपणे मार्गदर्शन करून उपस्थित विद्यार्थ्यांची मने जिंकली। त्यामुळे उल्लासनगरमध्ये येत्या काही दिवसामध्येच अनेक विद्यार्थी आपल्याला घडलेले दिसतील, IAS IPS या पदावर गेलेले दिसतील। MPSC जी एक्झाम आहे, जी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट कंडक्ट करते, त्या एक्झाममध्ये अनेक विद्यार्थी आपलं उज्ज्वल भविष्य घडवतील, अशी या कार्यक्रमातून आम्ही सगळी या टीमनी हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें, गतिविधियां और घटनाएं। अगर आपके आसपास में किसी भी तरह की अप्रिय घटना घट रही है तो नीचे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें संपर्क करें। धन्यवाद। गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, आपकी आवाज है आपका ही आदेश। जनादेश, आपकी आवाज, जनादेश।